हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए ब्लॉग के साथ। और दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हमारे गाँव में आजकल पांडव नृत्य चल रहा है, तो आज उसी का यहाँ पे जो पांडव की बाण जिनको हम बोलते हैं वो आए हैं, और उन बाणों के लिए सभी गाँव के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए अर्घ लगता है। तो अभी दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे वो कार्यक्रम होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे जो गांव की थाली हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हो रखी हैं, और लगभग 100-150 थालियाँ हैं ये, और पूरे गांव के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। और इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी उसका, पूजा का जो भी कार्यक्रम होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी गाँव के लोग आ चुके हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा हमारे पूरे गांव के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे एक एक थाली अपने अपने घर से जो अर्घ उसे बोलते हैं वो लाए हैं यहाँ पे। तो आखिर क्यों लाना पड़ता है ये अर्घ? ये इसलिए है क्योंकि इसमें हर घर के चावल के दाने होते हैं, हर घर का सामान होता है। इस बात का प्रूफ होता है कि सभी लोग यहाँ पे हैं, और उन सभी लोगों के घर में जो धन धान्य है, वो संपत्ति है, जो उनका परिवार है वो खुशहाल रहे, उसकी यहाँ पे पूजा की जाती है। और आज हमारे गाँव में बाण आ चुके हैं, जो कि मतलब जैसे अर्जुन का धनुष होता है, गांडी होता है, सब चीज़ यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आज से उन बाणों के साथ नृत्य होगा।
करते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो को देखते रहेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं जल्द ही, जिसमें बाणों के साथ और पूरी ड्रेस के साथ जो पांडव नृत्य होगा उसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा। तो चलो चलते हैं, तब तक के लिए पीछे की वीडियो देखते रहना।